सत श्री अकाल, नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का वेलकम है फार्मिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज बात करने वाले हैं लोबिया की। ये जो प्रजाति है किसान भाइयों, बहुत अच्छी है, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं लोबिया की, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये प्रजाति। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, पूसा 91 बहुत अच्छी प्रजाति। ऊपर से तो ये लाल कलर में होती है, लेकिन इसके दाने हैं वो क्रीम सफ़ेद कलर में निकलते हैं, आपको मैं दिखाऊँगा भी। खास बात यह है, ये इसमें रोग किसी प्रकार का नहीं आता, रोग प्रतिरोधी प्रजाति है किसान भाइयों। फल अच्छा आता है और ये सर्दियों तक इसका फल मिलता है। खास बात ये भी है, अगस्त से इसका फल शुरू होता है आना और पूरी अक्टूबर तक इसका फल अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी प्रजाति है। और ख़ास बात ये है, अगर इसकी तोड़ाई आप तीसरे चौथे दिन भी करेंगे तो बराबर आपको फल मिलेगा। और डबल इसके अंदर दाना भी होता है, मोटा दाना होता है किसान भाइयों, वेट अच्छा आता है किसान भाइयों। तो मैंने कहा कि वीडियो के द्वारा किसान भाइयों को जानकारी दी जा सके इस प्रजाति के बारे में, जो लोबिया की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। तो किसान भाइयों, इस चैनल पे खेती संबंधी सभी जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती हैं। तो कोई सवाल हो तो हमारे किसान भाई कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, पूरा उसका जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, बहुत ही सस्ते दाने होते हैं, फल अच्छे आते हैं किसान भाइयों। लंबाई भी फल की अच्छी होती है, फली की मोटाई भी काफ़ी होती है। और इस खास बात यह है, इसके दानों की सब्जी में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लोबिया की दाल कह लें या सब्जी के रूप में कह लें। तो किसान भाइयों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, खेती के संबंधित आप लोगों को सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।